गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपने पूरे एन्चेंटेड डायमंड के आर्मर में कवर हो चुका हूँ। सो वेलकम बैक गाइज, तो आज की वीडियो में मैं ट्रेड करने वाला हूँ अपने विलेजर से पूरा एक एन्चेंटेड डायमंड का आर्मर। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने ऑफलाइन किया है। यहाँ पर मेरे पास एक डायमंड की एक्स जिस पे ब्रेकिंग टू शार्पनेस 2 है एंड इस पे एफिशिएंसी 5 एंड ब्रेकिंग 3 एफिशिएंसी 5 मुझे वो मिल गई थी पिछले एपिसोड में। एंड मेरे पास इतने आयरन है क्योंकि मैंने अपने आयरन फार्म से लिया था ट्रेड करने के लिए। एंड यहाँ पर भी दिखा देता हूँ मैंने इंचार्जमेंट टेबल से पीआरसी 1 फेदर फॉलिंग बेन ऑफ आर्थ बोर्ड नोकबैक 1 एंड पीआरसी 2 की बुक है मेरे पास। ज़्यादातर तो ये बेकार की बुक है क्योंकि यहाँ पर मैंने ट्रेड नई ट्रेड के लिए ले ली थी। तो अब यहाँ पर मैं अपने ट्रेडिंग हॉल में आ चुका हूँ जहाँ पर मैं इनसे ट्रेड करने वाला हूँ। तो ये तो पावर 5 दे रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने इससे ऑफलाइन बोर्ड ट्रेड की थी एंड इसने यहाँ पर एक्सपर्ट तक अनलॉक कर दिया एंड इसने भी एक्सपर्ट तक अनलॉक कर दिया। तो मैं थोड़ा वेट करूँगा जिससे यहाँ पर ये अपना लास्ट तक वो खोल सके, अपना ये अनलॉक कर सके मास्टर तक, उसके बाद मैं यहाँ से करूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं सबके सब अप्रेंटिस पे थे। तो अभी मैं देखता हूँ जल्दी से जिससे यहाँ मेरे वापस से ट्रेड खोलते हैं। मेरे पास वैसे पूरे एमरल्ड हैं, मुझे बस एक एमरल्ड चाहिए। वैसे ये कह लो ये तो बस एकदम हो जाएगा भाई। तो अभी मैं थोड़ा वेट करने के बाद अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ वापस से। देखते हैं इसने आयरन की ट्रेड खोल दी। ओके इसने खोल दी जल्दी से, मैं यहाँ पर ट्रेड कर लेता हूँ उससे। एंड अभी इसने भी मास्टर पहुँच चुका है एंड अभी ये इसे मास्टर पहुँचाना है मुझे। तो ये भी पहुँच चुका है, अभी जल्दी से इनसे मुझे ट्रेड करनी है आर्मर। तो सबसे पहले तो इससे मैं लेने वाला हूँ इस फेदर फॉलिंग 4 एंड ब्रेकिंग 3 एंड ये इस पर लग रही है प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 2। इससे इस पर लग रही है यहाँ पर एंड ब्रेकिंग 3, ये भी ले ली एंड इस पर लग रही है एंड ब्रेकिंग 3 फायर प्रोटेक्शन। अभी यहाँ पर मैं पूरा आर्मर यहाँ पर निकाल के ये वाला पैर रख के दिखाता हूँ आपको, ये वाला पूरा पैर लिया। एंड देख सकते हैं भाई पूरा मैं एन्चांटेड डायमंड के आर्मर में कवर हो चुका हूँ, कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। तो मैंने एक वीडियो में देखा जहाँ पर एक लूम से हम यहाँ पर अपने एक बैनर बना कर इसे शील्ड में अपने लगा सकते हैं। तो मैं जल्दी से वो लेके आता हूँ जिससे मैं एक बैनर बना पाऊँ। तो जल्दी से वो लाने के बाद अभी यहाँ पर मैंने एक बैनर बना लिया। पहले तो इसे यूँ ही लगा के देखते हैं, अपनी शील्ड हटाता हूँ एंड अभी यहाँ पर लगा के देखते हैं। जल्दी से अपने अलग अलग यहाँ पर पोजीशन में लगा के देख लेता हूँ, पर यहाँ पर कोई से भी पोजीशन में नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर कोई डिज़ाइन बना दे, क्या पता जब हो जाए। तो मैंने यहाँ पर इस पीले कलर से एक्स बना लिया एंड अभी लाल डाई से मैं यहाँ पर कुछ और बनाता हूँ, देखते हैं क्या है। तो देखता हूँ कौन सा डिज़ाइन अच्छा है। तो प्लस वाला बना लेता हूँ, ये अच्छा लग रहा है। पर जैसे कि इससे हुआ था इससे भी कुछ नहीं हुआ भाई। तो मैं थोड़ी सी रिसर्च करके आता हूँ यहाँ पर। तो रिसर्च करके मुझे पता लगा कि यहाँ पर ये 1.20 में आने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैं अपना पुराना आर्मर सब का सब इसमें रख देता हूँ। अभी मैं थोड़े दिन यही वाला आर्मर पहनने वाला हूँ एंड ये मैं डायमंड के टूल्स में कभी टूट ना जाए तो इसलिए मैं अपने नवे बनाऊँगा। ये शवल मैं एक ही कर लेता हूँ एंड अभी मैं जल्दी से लकड़ी बनाकर स्टिक्स बनाकर अभी यहाँ पर मैं जल्दी से पिकैक्स एंड एक्स बनाकर रख देता हूँ। जल्दी से इन्हें सही से लगा देता हूँ एंड अभी एक अपने कीमती वाले चेस्ट में अपने सब कुछ लगा देता हूँ यहाँ पर, ये एमरल्ड एंड ये आयरन वगैरह। तो अभी यहाँ पर थोड़े से पोटैटोज इतने पक रहे हैं, इतने में यहाँ पर बकेट भर के ले आता हूँ जल्दी से। यहाँ पर लावा की ज़रूरत है तो मैं बकेट भर के ले आया यहाँ पर, समय मैंने डाल दिया यहाँ पर। तो अभी मैं सोच रहा था कि थोड़ी सी फसल काट दूँ, पिछले एपिसोड से उगी रही है अभी तक काटी नहीं। तो काटने के बाद फसल यहाँ पर मैंने वापस से उगा भी दी थी। तो उगाने के बाद अभी देखते हैं क्या करना चाहिए मुझे। तो अभी मैं यहाँ पर पोटैटोज लेने आ चुका हूँ जो अब तक तो पक गए होंगे। तो यहाँ पर पक चुके हैं मेरे पोटैटोज एंड इसे खाते हैं जल्दी से और देखते हैं अभी क्या करना चाहिए मुझे। तो अभी यहाँ पर मैं सोच रहा था कि यहाँ पर एक लाइब्रेरियन बना लूँगा एंड इससे मैं इसके वापस तोड़ रहा था, फिर लगा रहा था जिससे यहाँ पर नई ट्रेड अनलॉक करे। तो इसने बहुत देर के बाद यहाँ पर लूटिंग टूथ जो मैंने ले ली एंड अभी एक ही ले लेता हूँ, बाद में इसे दो लेकर एक ही बना लूँगा। उसके बाद अभी देखते हैं यहाँ पर क्या करना चाहिए। मुझे कैटोग्राफी टेबल चाहिए थी तो इसीलिए मुझे लकड़ियाँ चाहिए, तो लकड़ियाँ बना लेता हूँ जल्दी से। एंड एक कैटोग्राफर बनाने वाला हूँ जिससे मैं एक मैंशन का वो ले सकूँ, एक मैप ले सकूँ जिससे मैंशन का। एंड यहाँ से मैं ये भी ले लेता हूँ जिससे मैं एक वेपन स्मिथ बनाकर अपने डायमंड के टूल्स भी ट्रेड करूँ। मुझे बस अभी एक वो चाहिए शवल, तो शवल तो ये वाला देगा नहीं, तो मैं कम से कम एक वो भी तो ले सकता हूँ। मैं वो ले सकता हूँ कि स्वॉर्ड टूल्स में देता है वो, ये आए उसके शवल वगैरह। तो ये ट्रेड कर रहा था एक्स के बदले, तो मैं एक्स के बदले कर लेता हूँ। एक्स के बदले करने के लिए पहले मुझे एमरल्ड चाहिए, तो एमरल्ड मैंने इससे ले लिए। अभी जल्दी से थोड़ी सी और एक्स ले रहा हूँ, थोड़ी सी मैंने ले ली थी। तो इसने अपना लेवल अप कर दिया है, तो अभी आयरन के बदले ले रहा है। तो जर्नी मैन तक पहुँच चुका है, अभी देख सकते हैं एक्स दे गए एक्सपर्ट पे, पर इससे नीचे सब मास्टर पे फ्री अभी देने लग जाएगा। मैंने इन्हें तो यहाँ पर बैड लगाया कि तो यहाँ पर इसने ब्रीडिंग कर फिर से कर दिया, क्योंकि मैंने फिशरमैन मार दिया था क्योंकि उसका कुछ काम नहीं, इससे यहाँ पर नए हो जाएंगे।
तो ये वाला वार्निंग ट्रेलर दे रहा था मुझे, ये वाले पर्पल वाले फ्लावर मुझे देखने में अच्छे लगे, तो मैंने यहाँ पर इससे दो ले ली। तो अभी जल्दी से देखते हैं यहाँ पर, मैं थोड़ी सी लेंटर्स बनाता हूँ जिससे जो बच्चे हैं वो बड़े होकर यहाँ पर लाइब्रेरियन बन पाए एंड मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो पाए। तो यहाँ पर लेंटर मैंने सारी जगह लगा दी है एंड अभी मैं यहाँ पर थोड़े से पेपर से ट्रेड करने वाला हूँ इन लाइब्रेरियंस इससे कैटोग्राफर से, इस कैटोग्राफर से जिससे मुझे मैप मिल पाए। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी ट्रेड कर लेता हूँ, तो मेरे पास पेपर ख़त्म भी हो गया अभी से ही, यानी मैप तो दे रहा था। तो जो मैंने लैंडर लगाई थी वो दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे, अभी ये अमर बन चुके थे लाइब्रेरियन। इनकी ट्रेड में बाद में देखूँ, अभी मुझे थोड़ी सी शुगर कैन लानी है। तो शुगर कैन मैं यहाँ से ले आया हूँ, मैंने बोन मिल का यूज़ किया जिससे मैं जल्दी से जल्दी ले आ पाऊँ। तो मेरे पास एक स्टैक 28 हो चुकी है, यानी कि जल्दी से अभी पेपर्स बनाते हैं ट्रेड करते हैं। तो पेपर्स तो मैंने बना लिया यहाँ पर पूरे के पूरे, अभी यहाँ पर जल्दी से ट्रेड करने चलते हैं। तो ट्रेड करने के लिए आ चुका हूँ मैं वापस से एंड अभी ये खोल देगा मेरे हिसाब से तो, एंड ओके इसने खोल दी। तो ये मुझे दे रहा था यहाँ पर वुडलैंड एक्सप्लोरर मैप। वैसे मैं इनसे पेन ग्लासेस से भी कर सकता था, मैं तो पेन ग्लासेस ले गया था जल्दी से। तो मैंने यहाँ पर स्मेल्टिंग पे लगा दिया, मैंने यहाँ पर एक स्टैक एंड वो 40 लाया था, तो यहाँ पर 12 आ चुका है। उसके बाद मैं 38 लिए, इनकी पेन ग्लासेस बनाता हूँ, इनसे ही बहुत सारे बन जाएंगे, जल्दी से बना लेता हूँ उनसे कितने बनते हैं देखते हैं। ओके तो जल्दी से अभी इनसे ट्रेड करता हूँ। ओके यहाँ पर इसने नीचे का भी खोल दिया है, देखते हैं वुडलैंड एक्सप्लोरर मैप दे रहा है। तो मैं जल्दी से कंपास लेके आता हूँ जिससे मैं ट्रेड कर पाऊँ एंड जल्दी से अभी लेके आते हैं। तो मैं इससे ट्रेड कर लिया है फाइनली अपन वुडलैंड एक्सप्लोरर मैप, देखते हैं भाई ये वो भाई ये तो मैंने गलती से यहाँ पर उस ओशन एक्सप्लोरर मैप ट्रेड कर लिया भाई। अब यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है यार, मेरे इतने एमरल्ड भी बना चले गए, पर कोई नहीं बाद में यूज़ करेंगे। तो गाइस आज वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड हाँ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।